I have you now. सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क गेमिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एआरके के सर्वाइवल के एक और एपिसोड में। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने इस रफ्त बनाए थे तो मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने डोर और डोर फ्रेम लगा दिया हूँ और साइड में थोड़ी बहुत रेलिंग्स लगा दिया हूँ। और ये देखो इस दोनों साइड में मैं स्टैंडिंग टॉर्च लगा दिया हूँ और इसके अंदर जितने भी सामान मुझे चाहिए जो मुझे जर्नी में जाना है वो सभी सामान इसके अंदर अवेलेबल है अब। तो ये सभी करते करते बहुत टाइम लग गया था तो कोई बात नहीं, हमारा लेवल अप भी हुआ था। और मैं ऑर्डर को लेके जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे ठंड भी रहता है और फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई कपड़े भी नहीं है ठंड से बचने के लिए। हम जल्दी ही रेडवुड फॉरेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बेयर्स को हंट करने के बाद हमें थोड़ी बहुत ये मिलेंगे, उससे हम कपड़े बना लेते हैं। और मेरे घर के पास एक रैप्टर घूम रहा था 40 लेवल का, तो उसको भी मैंने टेम कर लिया। पर मैं इन दोनों को ब्रीड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों फीमेल है, मुझे पकड़ने के बाद पता चला कि ये फीमेल है तो नहीं तो मार देता मैंने। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए पकड़ लिया है, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक रैप्टर को लेके जाने वाला हूँ वहाँ पर। तो इस वाले एपिसोड में मुझे थोड़ी बहुत वेपन्स भी बनानी होगी क्योंकि हम फ़िलहाल के लिए वही क्रॉसबो और बो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक शॉटगन और एक ये बना जाए लॉन्ग नेक राइफल, उससे हमें ये डार्ट्स बना सकते हैं लॉन्ग नेक राइफल से। और इस वाले एपिसोड में हम कैप्रो सॉरस वैसा ही कुछ नाम रहता है तो उसको पकड़ने वाले हैं। तो लॉन्ग नेक राइफल को अनलॉक कर लेता हूँ। तो ठीक है, एमओ भी अनलॉक हुआ तो देखेंगे सारा सामान है क्या हमारे पास। ठीक है, सभी सामान है। तो शॉटगन और एक, अरे ये क्या कर लिया के, शॉटगन भी बनाना है मुझे के, बो नहीं चाहिए। और क्रॉसबो मैं वैसे ही यूज़ कर लेता हूँ, मतलब डायरेक्ट हंट के लिए। तो मैंने ऑफलाइन में थोड़ी बहुत काम भी किया हूँ तो क्या काम है मैं बाद में बता देता हूँ क्या किया हूँ। तो आज इस वाले एपिसोड में हम पकड़ने वाले हैं कैप्रो को। तो चलो, हमारा वेपन बन चुका है, अरे क्रॉसबो नहीं बनाता मुझे के, लॉन्ग नेक राइफल इसको बना लेता हूँ। अरे क्रॉसबो क्यों बना लिया, वेस्ट वॉज, कोई बात नहीं, हमारे पास मेटल तो है तो बन जाएगा एक और। तो हमारे पास केबल तो नहीं है तो इसलिए मैं इससे परचेस कर लेता हूँ, मतलब एम्बर लगा के परचेस कर लेता हूँ। क्योंकि कैप्रो को टेम करने के लिए आपको ये लगता है टैपी जा रहा का केबल, तो फ़िलहाल तो हमारे पास टैपी नहीं है तो इसलिए तो केबल परचेस किया जाए। तो सबसे पहले तो एक्विप कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं बुलेट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, उसके लिए गन पाउडर सब कुछ बनाना रहता है और मेरे पास उतना कोयला भी नहीं है कि गन पाउडर बना सकें उतना ज़्यादा, और डार्ट्स भी मेरे पास नहीं है। तो मैं लॉन्ग नेक राइफल बेसिकली ट्रैंक डार्ट से यूज़ करूँगा, मतलब डायरेक्ट हंट करने के लिए नहीं यूज़ करूँगा, हंट करने के लिए शॉटगन यूज़ करूँगा और नॉकडाउन करने के लिए ये यूज़ करूँगा लॉन्ग नेक राइफल। और इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने सभी तैयारियाँ वैरिया सब कुछ कर लिया और यहाँ से अब केबल्स ले लेते हैं टैपी का के, यहाँ रहा टैपी जा रहा, मुझे और भी लेना है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए तीन ले लेता हूँ। और मैं रैप्टर को लेके जा रहा हूँ क्योंकि हाई लेवल है और इसका हेल्थ भी 3K है और मेली डैमेज भी काफ़ी अच्छा है इसका, थोड़ी बहुत डिफेंस भी आसानी से हो जाएगी, कोई शार्को या कोई सांप आया तो डिफेंस कर लेगा हमें। और मुझे कैस्ट्रोडिमस को भी टेम करना है, मेरे घर के पास बहुत सारे कैस्ट्रोडिमस घूम रहे हैं, 3-4 तो मैंने देखा है और बहुत सारा ये बनाया है क्या कहते हैं उसको, बीवर डैम, बहुत सारा बीवर डैम है, आसानी से मुझे सीमेंटिंग पेस्ट तो मिल जाएगा। तो मैंने कैप्रो को पहले से ही बंद करके रखा हूँ, तो मुझे एक 115 लेवल का मिला था कैप्रो, उसको टेम कर रहा था, मतलब पकड़ने की सोच रहा था। ये देखो इस तरह ट्रैप बनाया हम, और मैंने ऊपर बाद में लगा दिया हूँ, एक को मैंने ये कर रहा था
दूसरा भी आके वहाँ पे गिरा है। एक का लेवल 115 है और दूसरे का 20 या 25 है, बहुत कम लेवल का है। तो कोई बात नहीं, दोनों को टेम कर लेंगे। तो सबसे पहले एक को गिरा देता हूँ। अरे गिर जाए, कितना का आएगा ये? लास्ट होगा आई थिंक। ओके, एक डाउन हुआ, 25 लेवल का डाउन हुआ। ये रहा देखो 115 लेवल का। तो मैं 115 लेवल को ट्रैप कर रहा था, मैं उसको ट्रैप कर रहा था, जैसे ही ये भी आके गिरा 25 लेवल का कैप्रो। तो कोई बात नहीं, दोनों को टेम कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास है, और इसका सैडल भी बनाना है मुझे। सैडल बनाने के लिए आपको केटन की ज़रूरत पड़ती है। के ये रिट्रीट कर रहा है, ऊपर चढ़ जाता हूँ। आप बाहर रह के मारो क्योंकि ये डैमेज दे सकता है। तो नाइस, इसको ओपन करो यहाँ से, और इसके अंदर दो डाल देता हूँ, और इसके अंदर एक। बाद में मुझे आके फिर से डालना होगा क्योंकि इतने में काम नहीं बनने वाला इनका। और कैटन भी मुझे बहुत सारा कलेक्ट करना है। फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत है मेरे पास, फिर भी दो सैडल बना लेता हूँ मैं। ज़रूरत तो आने वाला है। और मैं एक को रफ से लेकर जाने वाला हूँ, एक रैप्टर और एक कैप्रो को। तो चलो सबसे पहले घर में चले और इसका केबल लेके आए। ये कैप्रो का टेम करने के लिए आपको टैपी का ये लगता है, केबल लगता है। तो और मुझे थोड़ी बहुत कैटन भी कलेक्ट करना है, और इसका मिली डैमेज बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे एक ये घूम रहा है, क्या कहते हैं स्नेल को क्या कहते हैं पता नहीं चल रहा। ओके, कोई भी नाम हो, हम स्नेल ही बनाएंगे इसको। और इसका मिली डैमेज भी काफ़ी अच्छा है, हमारा रैप्टर का मार देगा आसानी से। हम भी थोड़ा हेल्प करें शॉट गन का यूज़ करके। अरे कितना हेल्थ है इसका, 55। क्यों नहीं मारा, कोई बात नहीं। अरे रैप्टर मदद करना, अरे रैप्टर मार। ठीक है, एक को मार दिया, एक और बचा है, उसको भी मार देगा आसानी से। और आपको स्नेल को टेम करने के लिए आपको ये लगता है, केक लगता है। फ़िलहाल तो हमारे पास केक है नहीं, और मुझे उसका रेसिपी भी पता नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए टेम तो नहीं करने वाला। और स्नेल से आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर और ये मिलता है, सीमेंटिंग पेस्ट आसानी से। तो फ़िलहाल तो सीमेंटिंग पेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारा ये है रिसोर्सेस, क्योंकि हमारा पड़ोसियन ब्यूअर डैम बहुत सारे घूम रहे हैं, और बहुत सारा ये बना चुका है ब्यूअर डैम्स, तो उनसे ले लेंगे। पड़ोसी होकर थोड़ा तो एडजस्ट कर लेंगे वो। सो फाइनली हमारा दोनों कैप्रो दोनों टेम हो चुके हैं, कैप्रोसकस चढ़ी के इसका नाम। और मुझे फ़िलहाल फिर से आके इसके अंदर केबल डालना पड़ा क्योंकि ख़त्म हो चुका था। के मैंने दोनों का सैडल बना चुका हूँ, और पूरा एक दिन ये किया हूँ, मतलब कैटन को कलेक्ट किया हूँ। और ये ज़मीन के ऊपर भी थोड़ी बहुत तेज़ रहता है, और पानी के अंदर भी थोड़ी बहुत तेज़ रहता है। सार्को जितना तेज़ तो नहीं रहता है, इसलिए मुझे एक सार्को का टेम करना है। इसका 3 अटैक रहता है। ये फर्स्ट पर्सन व्यू है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं चाहिए। ये देखो, ये इसका स्पेशल अटैक है, और ये इसका सेकेंडरी अटैक है। बहुत लोगों को सेकेंडरी अटैक के बारे में पता नहीं रहता है। तो ये देखो, ये नॉर्मल अटैक है, ये सेकेंडरी अटैक है। ये क्या करता है मुझे पता नहीं, कितना डैमेज भी देता है वो भी पता नहीं मुझे। तो मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ एक बार। ये देखो इस तरह, ये स्पेशल अटैक है इसका, मुँह में पकड़ लेता है और मार देता है। एक मिनट, एक और बार दिखा देता हूँ। बीवर को मैं मारने वाला हूँ नहीं, क्योंकि बीवर डैम बहुत कम मिलते हैं, और उसका लेवल भी हाई है 120 का। ये देखो ऐसे जंप करता है और सामने वाले को पकड़ लेता है अपने मुंह में, और मुंह में पकड़ के आसानी से हमला कर सकता है वो। ये देखो आसानी से मार सकता है। अरे कितना हेल्थ है इसका, 1.8 के हेल्थ इसका। तो कोई बात नहीं, तो चलो इसको लेकर घर पे चलते हैं। और मुझे एक सार्को को भी टेम करना है। फ़िलहाल के लिए मुझे कोई अच्छा सार्को तो नहीं दिखा है, और ये थोड़ी बहुत वर्टिकली चढ़ सकता है, मतलब पत्थर वत्थर के ऊपर आसानी से चढ़ सकता है। ये मस्त लगा मुझे इसका स्पेशल अटैक, पानी के अंदर भी ये काम आता है स्पेशल अटैक। और मेरे घर के पास एक स्नेल घूम रहा था, उसको मैंने उठा के मेरा
घर के अंदर रख दिया हूँ, मतलब घर के पास रख दिया हूँ। आप इससे भी उठा सकते हैं, कौन सा टेराडॉन से भी उठा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं ला के पटक दिया हूँ इसको। अब इससे मुझे सीमेंटिंग पेस्ट भी मिलता रहेगा, एगेटिना पेस्ट जैसा ही कुछ नाम रहता है। ओके ये फॉलो कर रहा है। ओके यू स्टे हियर। ओके एक और किधर गया? अरे किधर हो बटवा? अरे किधर भाग गया है? पानी के अंदर तो नहीं चला गया? वेट ए सेकेंड। अरे किधर हो भाई साहब? आई थिंक दोनों मेल ही थे। ये देखो जैसे ही पानी के अंदर उतरा और फिराना आ गए खाने के लिए। अरे ये क्या कर रहा है घर के अंदर? वाई आर यू इन माई हाउस? सबसे पहले इसको बाहर लेके चलता हूँ, पूरा घर गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा ये जानवर है, पर इसका स्पेशल अटैक मुझे मस्त लगा और इसका फॉल डैमेज भी ज़्यादा नहीं रहता है। ये देखो कितना दूर तक हम छलांग लगा सकते हैं, और पानी के अंदर से भी ये स्पेशल अटैक कर सकता है। ये देखो पानी के अंदर से भी जंप कर सकता है। पर कुछ भी कहो सार्को बेस्ट है, क्योंकि पानी के अंदर मस्त तैरता है और इससे डबल साइज है उसका। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास एक हाई लेवल का कैप्रो है, कोई बात नहीं, और हमारे पास एक हाई लेवल का रैप्टर है। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को ही लेकर चलूँ मैं रफ के अंदर बिठा के। साइड में थोड़ी बहुत स्पेस है, वहाँ पे बिठा के चलता हूँ इन दोनों को लेकर। तो मैंने एक और बात सोच रहा हूँ कि हमारा 50 लेवल भी हो चुका है, अभी तक हमने एक केव एडवेंचर पे नहीं गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम केव एडवेंचर पे जाए। तो मुझे ये चाहिए। खे सीमेंटिंग पेस्ट मेरे पास पहले से ही है। खे यहाँ पर है, ये देखो 59 आ चुके हैं, 68 है हमारे पास फ़िलहाल के लिए कैटन, और सीमेंटिंग पेस्ट भी बहुत सारा भर भर के है, अराउंड 1K है सीमेंटिंग पेस्ट। ओके मुझे एक ये भी बनाना है स्पाई ग्लास, क्योंकि एक बार खो चुका हूँ स्पाई ग्लास को। जैसे कि मैं एक बार मरता हूँ इस गेम में और मेरा सारा सामान चला जाता है, क्योंकि मैं मीडियम डिफ़िकल्टी में खेल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले एक स्पाई ग्लास बना लिया। और सार्को का सैडल किधर है? अरे किधर है सैडल? खे सार्को का सैडल हाइट चाहिए और सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए। हाइट भी है, सीमेंटिंग पेस्ट भी है। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रहा होगा, तो फ़िलहाल के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, क्या करूँ, तो कुछ भी तो नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे केव एडवेंचर पे, और इस वाले एपिसोड में हमने पकड़े है कैप्रो को, और मुझे जाना है सार्को को पकड़ने के लिए। फ़िलहाल तो मैं कोई जानवर लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आते समय मैं सार्को के ऊपर बैठ के आया हूँ, आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सैडल भी बना चुका हूँ इसलिए। तो ऑफलाइन में मैं बहुत सारा ढूंढा था सार्को को, फ़िलहाल के लिए आसपास तो ये कच्चा हाई लेवल का ये नहीं मिला है मुझे, मतलब हाई लेवल का सार्को। सभी सार्को 20 या 15 5 लेवल उस तरह का सार्को मिल रहा है, पर बाकी सभी जानवर हाई लेवल का मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, मीट से आराम से हो जाएगा सार्को टेम, या आप सार्को को टेम करने के लिए ट्रायसेराटॉप्स की इससे टेम कर सकते हैं, ट्रायसेराटॉप्स केबल से। तो फ़िलहाल तो मेरे घर के पास कोई अच्छा ट्रायसेराटॉप्स सार्को नहीं है, इसलिए मैं मीट से ही टेम करूँगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा फर्स्ट केव एडवेंचर होने वाला है, मतलब साउथ केव में जाने वाला है कल के एपिसोड में। तो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको पता चले। तो अभी तक आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन नहीं किया हो तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ARK मोबाइल का सभी न्यूज़ और अपडेट्स देता रहता हूँ। और आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, या कोई न्यूज़ देना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरा मोमेंटम स्पीड ठीक ठाक है, मतलब कोई दूसरे जानवर से मैं बच सकता हूँ, उतना डिफेंस तो मेरे पास है। एक शॉट गन है और एक ये भी है क्रॉसबो है, स्वॉर्ड है भाई के, तो देखेंगे बच पाते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल तो द वर्स्ट प्लेस आई थॉट स्वाम्प है, क्योंकि मुझे ये स्वाम्प बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ये रहता है टेटनोबोवा,
और कैप्रो भी रहता है। कैप्रो का हेल्थ ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे फ़िलहाल के लिए बच पाते हैं या नहीं इस स्वाम्प में। और आपको एक स्वाम्प में ये मिलता है, क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लोरर नोट मिलता है। अरे पीछे कौन पड़ा, आवाज़ से तो कैप्रो लग रहा है। अरे चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, अरे मरूँगा मैं, सबसे पहले भागो यहाँ पे। अरे भागना भाग। तो मेरा हालत कैसा हुआ है आपको बता भी नहीं सकता, सभी चीज़ें पता है मुझे, पर खेलना नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कंट्रोलर्स में सभी तरह का कंट्रोलर्स चेक किया हूँ तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यार। क्या का खे यहाँ पे डिप्लोडोकस है, कोई बात नहीं। आप डिप्लोडोकस को टेम करना चाहते हो तो ये पैसिव टेमिंग रहता है, आपको मैजो बेरिस या अजुल बेरिस वैसा ही दोनों में एक बेरी को खिलाना पड़ता है उसके पास जाके, तब वो टेम हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए उसको पकड़ने नहीं आया, फ़िलहाल के लिए हमें शार्को चाहिए। किधर है तू शार्को? मुझे एक महीना तो लगने वाला है इस हाथ से खेलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं बहुत सारा गेम्स खेलता रहता हूँ पर कुछ गेम्स तो मैं कंट्रोलर्स के साथ ही खेलता रहता हूँ। मैंने फ़िलहाल के लिए कॉस्मिक बाइट का दो टाइप का कंट्रोलर्स मंगाया था, दोनों को रिटर्न करना पड़ा क्योंकि सपोर्ट नहीं हो रहे थे एआरके के गेम का। बाकी कुछ गेम को सपोर्ट हो रहे थे और एआरके के गेम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। पर मेरा पिछले वाला कंट्रोलर वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है, मतलब एक्स वाई एक्सिस आसानी से एडजस्ट कर लेता है, ऑटो एडजस्ट है उसका। सो देखेंगे ठीक कर पाता है या नहीं। ये देखो यहाँ पे आपको एक ये मिलता है एक्सप्लोरर नोट, और फिलहाल के लिए आसपास बहुत सारा खतरा घूम रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टेटोनो बोवा खड़े है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ पे स्टेमिना रिगेन कर लेते हैं और भाग लेते हैं यहाँ से। सिर्फ मुझे एक्सप्लोरर नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाग, इसके अंदर जाना पड़ता है और अंदर जाते ही आपको एक एक्सप्लोरर नोट मिलता है, इस डब्बे के अंदर रहता है। अरे कलेक्ट किया, ओके कलेक्ट हुआ एक टेटा, वो हुआ इधर ही आ रहा है। वहाँ पे टेरिजिनोसॉरस का मिलता है, मुझे कलेक्ट हो चुका है, ये देख ही सकते हो मेरा कॉर्नर पे लिखा आ रहा होगा। खे मार देते हैं, कोई बात नहीं, दो ही शॉट में मर गया। उसका हेड पे एम करो, जल्दी मर जाता है टेटानो बोवा का। और इसके अंदर कुछ लूट्स रहते हैं, आपको कभी कभार ये भी मिल जाता है, मेटल पिकैक्स और मेटल एक्स। तो जब भी आप टेटानो बोवा को मारते हो तो चेक करो उसके इन्वेंटरी में, आपको कुछ भी सामान मिल सकता है आसानी से और आपका एक्सपी भी आसानी से बढ़ जाएगा। ये देखो मेरा लेवल अप भी हो चुका है। तो चलो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि इसको भी मार देता हूँ, एक ही शॉट में गया लेवल 10 का टाइटन बोवा, कोई बात नहीं। तो चलो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं सार को मिलने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको पता होगा क्योंकि हमारा बहुत सारा एपिसोड में ऐसा हाल हो चुका है हमारा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं लेवल अप करने वाला हूँ नहीं क्योंकि ज़रा भी रुकाना, कहीं से भी रैप्टर या कोई भी आके मेरे ऊपर हमला कर सकता है इसलिए। तो इतना सारा ढूंढने के बाद मुझे एक ही सार को पकड़ना पड़ा, मतलब पकड़ना पड़ा।
इसका लेवल भी ज़्यादा नहीं है, तो देखिए इसका हेल्थ कितना है। सॉरी, हेल्थ तो ज़्यादा है, मतलब 800 अराउंड है। ओके, 3 लगा, अरे ये लग जा। ओके, 4 में रिट्रीट कर रहा है, ये डाउन होने वाला। ओके, 12 वेस्ट हुआ। ओके, ये भी 20 लेवल का है, तो कोई बात नहीं। इसका हेल्थ तो अच्छा है, मतलब 700 का अराउंड है, तो ठीक है। इतना सारा ढूंढने के बाद मुझे 5 लेवल का, 15 लेवल का इतना ही सार्को मिला है, तो इसलिए। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो अभी तक मेरा सार्को टेम नहीं हुआ है। ये नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हंट कर रहा हूँ, थोड़ा वाइल्ड जानवर को हंट करके उनसे प्राइम मीट इसके अंदर डाल रहा हूँ। 98% हो चुका है, तो ठीक है। मुझे आसपास कोई ये नहीं दिख रहा। सो फाइनली हमारा सार्को टेम हो चुका है, 29 लेवल का हो चुका है, और इसका हेल्थ 800 तक जा चुका है, और इसको सैडल पहनाता हूँ। तो ये जल्दी होने वाला नहीं था, तो मैंने थोड़ी बहुत शिकार विकार किया है यहाँ पे। टाइटन ओबोवा आते रहते हैं ना, उन सभी का शिकार करके थोड़ी बहुत प्रेमीट इकट्ठा किया और इसके अंदर डाला, और थोड़ी बहुत जल्दी हो गई। और इसका 3 अटैक रहता है, ये बाइट अटैक है, और जंप करने से ये आगे जंप करके अटैक करता है, और तीसरा इसका स्पेशल अटैक है, मतलब एनिमी को कंफ्यूज कर देता है। फ़िलहाल तो रात हो चुकी है भैया, तो देखिए कैसे घर जाए। तो फ़िलहाल तो हम स्वाम्प में हैं, और यहाँ पे तो भाई ख़तरा भर भर के हैं। यहाँ पे एक सार्को है, अरे उतर क्यों गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही मार देंगे। के सार्को इज डाउन, अरे डिलोफोसरस कहाँ से आ गया भाई। रात में बहुत सारा ये रहता है, मतलब खतरा रहता है स्वाम्प के अंदर, तो नॉर्मली बहुत सारा खतरा रहता है। तो फिलहाल मैं स्वाम्प के अंदर हूँ, आप सोच सकते हो कि कितना खतरा रहता है। अरे ये बेरियानिक्स किधर से आ गया। के 10 लेवल का था, कोई बात नहीं, मार देंगे। और सबसे पहले यहाँ से निकलो भैया, निकलो, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होने वाला है हमारे साथ, और ये कितना लेवल का है, मरने वाला भी नहीं है, 3-4 गोलियां भी खा चुका है। अरे मर जा, ये चीटियां भी दिमाग ख़राब करते हैं पीछे आ के। क्रॉसबो से ही मार देता हूँ, कोई बात नहीं, बिलफोसा रस तो ये, और इसका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा है, तो हमारे पास एक डिलफोसा रस भी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा शिकार को खाएगा। अरे ये तो मेरा नहीं था। तो देखो हमारा सार्को भी हमारा मदद भी नहीं कर रहा, साला किधर जाके बैठा है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ से निकलो भाई, तो इसको खा लेते हैं। ओके, थोड़ी बहुत हाइड और थोड़ी ये मिला है, तो निकलो निकलो यहाँ से भाई। इसका स्टैमिना भी बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये कम लेवल का है, तो कोई बात नहीं, हम पानी से जाने वाला है ना इसलिए। और इसका स्टैमिना भी जल्दी गेन हो जाता है, उतना दिक्कत वाली बात नहीं है इसका स्टैमिना का। और कहीं पर फंस ना जाए और गलत रास्ते से जा रहा है, यही होता है भाई। रात में आप ट्रैवल करते हो ARK में, और कहीं जरूर जानते हो और कहीं और चले जाते हो, कोई बात नहीं। हम रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ चले चुके थे, कोई बात नहीं, वापस आएंगे और यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। सो फाइनली वी आर बैक होम बॉयस, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका हेल्थ भी रिकवर होने देते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, हम सार्को का थोड़ी बहुत मदद भी की है, मतलब जैसे हमारा शॉटगन से मार दिया हूँ। और मेरे घर के पास एक ये स्पॉन हुआ है स्पाइनोसॉरस, पर इस बार तो बहुत हद पार कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास ही मेरे घर के पास स्पॉन हुआ है, और फ़िलहाल के लिए ब्यूअर डैम से लड़ रहा था। ये देखो यहाँ पे 50 लेवल का स्पाइनोसॉरस, ख़त्म कर देते हैं भाई। बीवर भी हमारा मदद कर रहे हैं, हमारा पड़ोसियों, बीवर भी आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि एक बीवर का हेल्थ 15 है और दूसरे का 120 है। अरे मुझे क्यों डैमेज पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका हेल्थ भी जल्दी से जल्दी से डैमेज हो रहा है। तो स्पाइनोसॉरस का बेसिकली कैसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज खाया तो भाग जाता है वहाँ से, तो यहाँ पे लैंड होता है सबसे पहले। ये किधर गया, ओके उधर है, यहाँ पे लैंड होके हम क्रॉसबो मारते हैं यहाँ से। ओके किधर है, बेवर डैम मारना था,
ओके फिर से भाग रहा है। अरे मेरे घर के पास मत जा, मरने वाला है तू भाई। अब तक तो ठीक था, ये मेरे घर के पास जा रहा है, अभी तो मुझे मारना ही पड़ेगा इसको। आप स्पाइनोसॉरस रेक्स और गीगा जैसे क्रिएचर को आप हंट करते हो ना, आपका लेवल अप भी जल्दी हो जाता है। तो हम क्रिएचर से हंट करने वाले हैं क्योंकि हमारा क्रिएचर का भी लेवल अप हो जाए, क्योंकि हम इससे केव में जाने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और केव में जाने के लिए बहुत सारा तैयारियाँ सभी कुछ करना पड़ता है, तो वो सभी मैं ऑफलाइन में कर दूँगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं केव एडवेंचर पे। सबसे पहले इसको मार देता हूँ, और इसका मेले डैमेज भी ज़्यादा नहीं है, 50 या 55 का अराउंड है हमारा पैराडॉन का। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास एक उड़ने वाला जैसा डैमेज का कुछ है, तो यही एक है। अरे ये किधर उछल के चला गया। तो फ़िलहाल तो यही एक डायनासोर है हमारे पास उड़ने वाला, तो इसलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे ही इसका लेवल अप होता जाएगा हम वेट और मेली डैमेज पे जाएंगे। हेल्थ ठीक ठाक है इसका, स्टैमिना भी ठीक ठाक है, 102 लेवल का हो चुका है। अरे अरे लैग क्यों हुआ, कोई बात नहीं, इसका लेवल अप भी हो चुका है और साथ में हमारा भी लेवल अप हो चुका है। तो मुझे इन सभी क्रिएचर्स को थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करना होगा ऑफलाइन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स बढ़ रहे हैं हमारे पास, और हमारा लेवल अप भी हो चुका है और हमारा लेवल 50 तक जा चुका है। तो ये देखो, इस वाले एपिसोड में हमने 2 कैप्रो को पकड़े और एक सार्को 29 लेवल का, और इसका भी हंट कर करके लेवल अप करना होगा। तो मोमेंटम स्पीड बढ़ाओ या हेल्थ, मोमेंटम स्पीड फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा 300 हेल्थ तो आसानी से हो चुका है, 350 मैक्सिमम होगा, 350 या 400 तक जाऊँगा। क्या क्या अनलॉक हुआ है देखे, थोड़ी बहुत मशीनरी सामान कुछ अनलॉक हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए वो सभी नहीं चाहिए। शॉटगन सब कुछ है उसमें ही हम ये कर लेंगे, मतलब मैनेज कर लेंगे। तो केव के अंदर जाने के बाद, मतलब नेक्स्ट एपिसोड होने के बाद, हम स्नो बायोम में जाएंगे और अर्जेंट ट्रैविस और कुछ वुल्फ को टेम करेंगे इस रफ से जाके। तो ये सभी एपिसोड्स आप मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और इसी तरह के अच्छे अच्छे एपिसोड्स और एडवेंचरस एपिसोड आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल के बारे में बता दो और शेयर करो इस वीडियो को। सो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। में मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए डायनासोर्स के साथ। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।